गाइज वेलकम बैक टू एके व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद वीडियो आएगा गाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगला जो अपने पिछले वीडियो में कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो अब मैंने आज लिया है, आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा ऊपर वीडियो का हेड, डिस्क ब्रेक। तो गाइज डिस्क ब्रेक एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हर बाइक में। जैसा कि आप लोगों को पता है, BS3 में डिस्क सिर्फ फ्रंट टायर पे था, जो कि मेरी बाइक में दोनों टायर पे है, आगे भी और पीछे भी। इसी वजह से मैंने बाइक ली थी गाइज। बट मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिनके पास स्टैंडर्ड है 350 या फिर BS3 मॉडल है क्लासिक्स के, तो गाइज वो लोग बाहर से डिस्क ब्रेक लगवा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि अगर हम बाहर से डिस्क ब्रेक लगवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा एंड ये सब। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो ये कि जो कंपनी ने हमें फिटिंग दी है या कंपनी ने हमें जो डिस्क प्रोवाइड की है, वो पिछले मॉडल्स में वो सिर्फ फ्रंट में थी। सबसे पहला वेरिएंट जो डबल डिस्क में आया है वो आया है गन मेटल ग्रे, जो कि मैंने परचेज की गाइज। वैसे एक रीज़न जो था, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जो आप वीडियो के एंड में वीडियोस देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम्स एंड एडवांटेजेस सब मैंने स्पेसिफाई किया है। आप मेरे चैनल पे जाके अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और सारे वीडियोस देखिए ध्यान से। मैंने बुलेट के बारे में आपको, जो ये गन मेटल ग्रे है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रियर डिस्क का। तो गाइज बाहर से आपको मैकेनिक लगा तो देंगे रियर डिस्क ब्रेक, लेकिन गाइज थंडरबर्ड की डिस्क होती है वो, तो उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे कि आपने कई लोग, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास थंडरबर्ड हो या किसी रिलेटिव के पास, तो आप उनसे पूछेगा कि जो थंडरबर्ड की ब्रेकिंग है वो भी पिछली ब्रेकिंग, उसमें काफ़ी इशू है डिस्क, क्योंकि वो रॉयल इनफील्ड की पहली डबल डिस्क बाइक थी तो दिक्कत आ रही थी उसमें काफ़ी। जैसे वो लद्दाख वगैरह गए हों, उनको काफ़ी दिक्कत आई थी पिछले डिस्क में, क्योंकि ना तो वो ढंग से लग रही थी और एक बार वो गर्म हो जाते हैं डिस्क पैड तो फिर वो ब्रेक फेल होने का काम करती है। तो गाइज वही आप अगर बाहर से लगवाएंगे तो मैकेनिक क्या करते हैं, स्पॉइलर और स्विंग आर्म वगैरह सब चेंज करते हैं, थंडरबर्ड का लगाते हैं। हो सकता है आपका टायर भी चेंज हो गाइज। हाँ जी, आपका टायर भी, रियर टायर भी चेंज करना पड़ सकता है अगर आप रियर डिस्क ब्रेक के लिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि वो ब्रेक काम भी ना करे गाइज अच्छे से, क्योंकि कंपनी की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और जो बाहर से आप करवाएंगे कंपनी भी आपको लगा देगी, लेकिन गाइज जब जिसमें बाइक में डिस्क ब्रेक है ही नहीं, उसको आप ज़बरदस्ती लगवाएंगे, या फिर ज़बरदस्ती इन द सेंस कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगा, तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही डिस्क लगवाएं। मेरे हिसाब से डिस्क में कोई ऐसा रियर डिस्क में कोई ऐसा वो एडवांटेज है नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसे लगवाएं 20,000 से 30,000 रुपए देकर, क्योंकि गाइज इतने की ही पड़ेगी, 20,000 अराउंड का आपको खर्चा आ जाएगा। आपका जो ये आप स्विंग आर्म देख रहे हैं ये पूरा चेंज होगा, टायर भी चेंज करना पड़ सकता है, शॉकर निकालने पड़ेंगे, थंडरबर्ड वाली डिस्क लगेगी जो कि इस मेरी डिस्क से बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं। और गाइज इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, मतलब ब्रेकिंग जो है वो आप ड्रम लगाते हैं तो ब्रेकिंग आपकी अच्छी है, अगर गाइज आप बेकार डिस्क लगवाएंगे तो ब्रेकिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको फ्रंट में तो डिस्क दे ही रहा है रॉयल इनफील्ड, तो फ्रंट में डिस्क है, पीछे ड्रम है, तो गाइज इट्स ओके। मैंने भी राइड की है बिना डिस्क, रियर डिस्क वाली बाइक, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना बैड नहीं था। हाँ, मेरी कंपनी फिटेड आ रही है वो अलग है, क्योंकि ये क्लासिक मॉडल था, क्लासिक मॉडल में इसी मॉडल में पहली बार डिस्क आई, उसके बाद तो नहीं, उसके बाद अब सब में ही ऑलमोस्ट डिस्क दे रही है कंपनी, सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली है डिस्क, लेकिन गाइज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी बाइक से, लेकिन आपको सलाह दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरे एक्चुअली एक फ्रेंड ने BS3 में
डिस्क लगवाई, ज़बरदस्ती लगवाई। मैं उसे कह भी रहा था कि भाई कोई बात नहीं, ड्रम इज़ गुड। उसने नहीं माना, वो उसकी ट्रिप थी लद्दाख की, उसने वो बाइक में क्लासिक ब्लैक में डिस्क लगवाई रियर। देन उसके साथ जो हुआ कि उसका जो गाइस लद्दाख आप लोगों को पता है काफ़ी स्लश वगैरह रहता है, तो उसका क्या हुआ, आधे लद्दाख में जाकर पीछे का जो डिस्क है वो फेल हो गया, क्योंकि डिस्क पैड गर्म होते हैं। देन क्या होता है कि थंडरबर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो थंडरबर्ड की ही लगी थी, थंडरबर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डिस्क पैड जो है वो जल्दी गर्म हो जा रहे थे एंड फिर ब्रेक लग ही नहीं रही थी। तो गाइस उसके साथ भी सेम चीज़ हुई, आपने और भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर रेयर डिस्क के। गाइस लगा तो सब देंगे, मैं भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप मत लगवाएं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगवा सकते हैं, मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूँ गाइस। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर कर दीजिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम हैं गाइस। और गाइस अगला जो वीडियो होने वाला है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, एक न्यू टॉपिक आएगा आप लोगों के सामने, और ऐसे ही नए नए टॉपिक वीडियोस लाता रहूँगा गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को न्यू है तो, और लाइक बटन दबा दीजिए गाइस, और मेरे कुछ वीडियोस वीडियो एंड में भी आएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा गाइस मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस, एज ऑलवेज लव यू गाइस।